हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में हम आपका स्वागत करते हैं। रोज के पवित्र वचन को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, अपने आप को पहचाने। जैसे उत्पत्ति की पुस्तक 49 के 10 वचन में लिखा है, जब तक सीलो न आए तब तक न तो यहूदा से राजधन छूटेगा न उसके वंश से, व्यवस्था देने वाला अलग होगा और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार जब परमेश्वर ने 12 चेलों को चुना था तो उनमें से एक यहूदा नाम का चेला भी था जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था। यहूदा सभी चेलों का अगुआ बनने वाला था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे खजांची बनाया था और सभी अधिकार उसको दिए थे ताकि चेलों को शुरू से ही उसके नीचे और उसकी अगुवाई में रहने की आदत पड़ जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरा होना था कि यहूदा के गोत्र से राजदंड कभी दूर न किया जाएगा और व्यवस्था देने वाला यहूदा के गोत्र में से ही होगा। परंतु उस समय ऐसा नहीं हुआ और यहूदा ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आत्मिकता को परखने की कोशिश की, जिस कारण शैतान ने उसको गिराया और उसकी पदवी पतरस को दी गई। बाइबल के अनुसार आज जितने भी लोगों ने बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है वह सभी यहूदा के गोत्र में से हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने आपको अगवा होने के लिए चुना है। मेरे प्रियो, यहूदा अविश्वास के कारण परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी नहीं कर पाया। वह प्रभु यीशु मसीह के करीब रहकर भी अनुग्रह को नहीं ले पाया। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह भी यहूदा के गोत्र से थे, वह गोत्र जो कभी हारा नहीं, घायल नहीं हुआ, दुश्मन के द्वारा कभी नीचा नहीं किया गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में डाल दिया गया, परंतु कब्र भी उन्हें रख नहीं पाई और वह 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठे। मेरे प्रियो, आज अगर आपने बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो आप भी यहूदा के गोत्र में आ गए हैं। प्रभु यीशु मसीह की तरह आपकी गरीबी, बीमारी, कलेश भी आपको रख नहीं पाएगी और आपके जीवन से चले आएंगे। मेरे प्रियो, आज आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है कि आप यहूदा के गोत्र में से हैं जिसे कोई बीमारी, गरीबी, मुसीबत, परेशानी, पाप दबा नहीं सकता। जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी में बीमारी, मुसीबतें इसलिए होती हैं ताकि आपके जीवन में बहुत बड़ी गवाही आ सके। अगर आपकी कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हैं तो आप उनमें से सबसे अच्छे होंगे, आपके व्यापार सबसे अच्छा होगा। याद रखें, अगर आप यह पहचान गए कि आप यहूदा के गोत्र में से हैं तो कोई भी व्यक्ति आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए आज आपको शैतान को बोलने की ज़रूरत है कि शैतान, आज मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है मैं उस पर विजय पाऊंगा और सब मुसीबतों से बाहर आऊंगा, क्योंकि जी उठने की सामर्थ्य मेरे जीवन में काम कर रही है। जैसे ही आप अपने आप को पहचानेंगे और परमेश्वर के पास धन्यवाद करते हुए उपस्थित होंगे तो परमेश्वर के दान और वरदान, उसके वायदे आपके जीवन में पूरे होंगे और आप ऊंचे किए जाएंगे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करें। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपना अनुग्रह मुझ पर कर ताकि मैं अपने आप को पहचान सकूँ और एक आशीषित जीवन व्यतीत कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।